वेलकम बैक टू वेरोनिका लाइफस्टाइल। मेरा नाम है सोनाली सक्सेना एंड इस चैनल पर मैं फैशन रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिल पाए। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सवाना का हॉल। मैंने सवाना से बहुत ही क्यूट से बहुत ही यू नो यूनिक और हटके चीजें मंगवाई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मुझे यू नो बिल्कुल ही हटके चीजें मंगवानी थी जो बिल्कुल ही अनोखी हो, अतरंगी हो, और उनको चेक करना था कि वो कैसी लगती हैं, कैसी आती हैं। सो मैंने काफी सारी चीजें मंगवाई हैं और सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहली चीज जो है ना गाइस, वो है ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। सो ये मुझे कुछ अलग हटके लग रही थी और ये नीचे से ना ये बलून वाला इसका डिजाइन है। सो मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी एंड मेरा बर्थडे भी आ रहा था। सो कल मेरा बर्थडे था और आज ये वीडियो पोस्ट हो रही है। 3 सितंबर को मेरा बर्थडे होता है, मेरा बर्थडे होता है, तो मैंने उसके लिए ये वाली ड्रेस मंगवाई थी। और मैं कहीं बाहर तो जा नहीं सकती थी बट मैंने सोचा चलो घर में ही शूट कर लेंगे, बिकॉज रीज़न मैं आपको इन फ्यूचर बाद में दूंगी। बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट अभी नहीं कर सकती थी। और एक चीज़, बहुत सारी आपको गुड न्यूज़ भी देनी है बट काफ़ी सारी बैड न्यूज़ भी है, सब एक साथ हो रहा है मेरी लाइफ में। इस टाइम में बहुत उलझी पड़ी है मेरी लाइफ। खैर, जो भी अपडेट है लाइफ अपडेट, इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और लाइफ अपडेट है जो भी आप कह लो, मतलब मैं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं ना, मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट अभी थोड़ा समय लग रहा है, अभी नहीं कर सकती, बट हाँ इन फ्यूचर ज़रूर करूंगी। सो अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, भटकते नहीं है। सो ये जो ड्रेस है गाइस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल, सबसे पहले तो पिंक कलर में है और इसकी क्वालिटी आई कांट एक्सप्लेन कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका, बहुत अच्छा मटेरियल है एंड पहनने में इतनी कंफर्टेबल है, इतनी क्यूट लगती है, बहुत ही प्रिटी लगती है एंड वो चीज़ आप देख ही सकते हो कि कितनी सुंदर लग रही है। सो बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसका बैक भी बहुत अच्छा है, पीछे बो बनाना होता है, मतलब बहुत ही प्यारा सा बैक है इसका। इनफैक्ट इसकी जो नेक लाइन है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी स्लीव्स मुझे बहुत प्यारी लगी और नीचे का तो क्या कहूँ, वो भी बहुत प्यारा लगा। तो सब कुछ इस ड्रेस में बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है कि मैं बोलूँ ये कमी है, मतलब लिटरली कोई भी कमी नहीं है। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, तो डेफिनेटली आप इस ड्रेस को परचेज कर सकते हैं एंड जितने भी आउटफिट हैं सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेक कर लेना एंड जितने भी साइज हैं, प्राइस हैं, वो स्क्रीन पर आ जाएंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है गाइस, वो है ये वाला टॉप। ये है रेड कलर का फ्लावर वाला टॉप, यहाँ पूरे में फ्लावर बना होता है एंड जो कि बहुत 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 ज़्यादा सुंदर भी लगता है एंड यू कैन सी दैट ये वाला फ्लावर है, ये इस तरीके से बना होता है एंड इसमें हॉल्टर नेक भी है, मतलब हॉल्टर नेक है ये, इस तरीके से डोरी है, ये है, इसको इस तरीके से नेक में पहन लो गाइस, इसे पीछे से बांध लो, बैकलेस भी है, मतलब तो ये बहुत सुंदर है यार, बहुत ही यूनिक और हटके, बहुत ही क्यूट सा टॉप है एंड बहुत ही हटके लग रहा था एंड मुझे लग रहा था ये पता नहीं पहनने के बाद कैसा लगेगा, बट नहीं, ये पहनने में बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है और इसका मटेरियल भी बहुत ही सॉफ्ट टाइप है, बहुत ही प्यारा सा मटेरियल है, मुझे बहुत सुंदर लगा ये वाला टॉप। और इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो। स्पेशली मैंने जितने भी कपड़े मंगाए ना, मैंने कुछ अलग हटके तो मंगवाई है बट साथ ही मैंने इस टाइप के मंगवाए हैं जिन्हें ये ना बर्थडे वगैरह पर या फिर किसी और की बर्थडे पार्टी में आप जो है स्टाइल कर पाओ। सो उससे रिलेटेड ही है। सो डेफिनेटली अगर आपका बर्थडे आ रहा है या फिर आप कोई बर्थडे पार्टी आ रही है तो आप उसके लिए इनमें से कोई से भी आउटफिट बाय कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट आउटफिट के बारे में, जो कि है बटरफ्लाई टॉप, जो कि इतना ज्यादा वायरल हुआ था कुछ टाइम पहले और उस टाइम को मैंने बनाई नहीं बट हाँ अभी मैं इसकी वीडियो बनाने वाली हूँ। सो ये टॉप इतना ज़्यादा वायरल हुआ है ना, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं इसको पहनूँ कैसे, बिकॉज इसको पहनना टू मच डिफिकल्ट, इतना छोटा सा है यार, इससे कैसे आप अपने
को कवर करोगे, बहुत डिफिकल्ट था. सो मैंने इसको सिंपली टी शर्ट के साथ इसको स्टाइल कर लिया है, बट आप चाहे तो ड्रेस के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, कोई भी सिंपल सी वाइट कलर की या कोई भी अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन की ड्रेस वेयर करो एंड उसके ऊपर बस इसको ऐसे पहन लो, लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाता है. बट अगर आप सोचो कि इसको अकेले पहनना है तो बहुत डिफिकल्ट है. अगर पहनना है तो आप ट्राई करके देख सकते हो. इसका बड़ा साइज मंगवाओ, मैंने सबसे छोटा साइज मंगवाया और मुझे बाद में फील होता है काश मैं बड़ा साइज मंगवाती. अगर इसका बड़ा साइज होगा ना मे बी मुझे आ जाएगा आराम से. सो मुझे आई थिंक इसमें मीडियम या लार्ज साइज मंगवाना चाहिए था, वो पूरा मुझे कवर कर लेता. सो लेट्स सी. वैसे तो ये मतलब देखने में क्यूट तो है ही और सुंदर भी है, बहुत ही प्यारा भी लग रहा है. तो डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मंगवा लो. अगर आपको इसी साइज का मंगवाना है, छोटे साइज का मंगवाना है, तो आप छोटे साइज का मंगवा करके ड्रेस के ऊपर या टी शर्ट के ऊपर पहन सकते हो. और अगर आपको सिर्फ इसको पहनना है तो एक बार ट्राई करके देख लो. मुझे नहीं पता मतलब ये ट्रिक काम करेगी या नहीं करेगी, बट आई थिंक वो पूरा कवर कर जाएगा और आप अकेले भी पहन पाओगे. मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, आई डोंट नो कि ऐसा होगा या नहीं होगा, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बड़े साइज में आएगा और फिर आपको आराम से आ पाएगा. सो ये जो है बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, बट मुझे ये याद नहीं है कि ये छोटे साइज या एक ही साइज का था तो फिर तो क्या ही आएगा. छोटे साइज का था ये, मुझे साइज भी याद नहीं है कि मैंने कौन से साइज में मंगवाया है इसको. सो ये है वन साइज. सॉरी गाइज, ये वन साइज में है, इसमें कोई साइज अवेलेबल ही नहीं है. तो इतना छोटा साइज कैसे आएगा. सो तो मेरे को ही नहीं आ रहा, मैं इतनी पतली हूँ, मैं इतनी छोटा साइज आता है मुझे हमेशा एक्स्ट्रा स्मॉल आता है. अगर ये मुझे नहीं आ रहा ठीक से तो जो मुझसे ज्यादा हेल्दी होगा उसको तो कैसे ही आएगा यार, ये बिल्कुल ही नहीं आएगा. सो आई थिंक इसको टी शर्ट या ड्रेस के ऊपर ही पहनना पड़ेगा और उसी के साथ ही आएगा. सो काफी प्यार सा टॉप है और डेफिनेटली अगर आपको पसंद आ रहा है तो ले सकते हो, अगर आपको ऊपर पहनने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो. अब बात करेंगे नेक्स्ट आउटफिट के बारे में. तो यहाँ पर मेरे पास ड्रेस है, ये ड्रेस बहुत ही हटके लग रही थी, बहुत ही यूनिक लग रही थी, इसलिए मैंने इसको भी मंगवा लिया. तो ये है एक ड्रेस, ये कुछ क्या बोलेंगे इस फैब्रिक को, आई डोंट नो, रैक्सीन से टाइप का फैब्रिक है ये और बॉडीकॉन ड्रेस है, रेड कलर की है और इसका फैब्रिक आई डोंट नो कि क्या फैब्रिक बोलेंगे इसको, बट ये बहुत ही अलग हटके है. यू कैन सी दैट, बहुत ही अलग हटके फैब्रिक है एंड ये स्लीवलेस है, ट्यूब ड्रेस आप समझ लो, बॉडीकॉन है और पहनने के बाद इतनी सेक्सी लगती है ना, इतनी मस्त लगती है ना, बहुत ही प्यारी लगती है. और इसमें छोटे छोटे से ना ये हार्ट बने हुए हैं और मुझे लगता है आई थिंक वैलेंटाइन डे के लिए तो ये कितनी मस्त रहेगी ना. सो बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही क्यूट सी ड्रेस है एंड डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो. बहुत ही प्यारी ड्रेस है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है और डेफिनेटली आप इस ड्रेस को खरीद सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है. और क्या ही बताऊं मैं इस ड्रेस के बारे में, और सो बहुत ही प्यारी ड्रेस है. इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट आउटफिट के बारे में. और यहाँ पर जो नेक्स्ट आउटफिट है वो है, क्या है, हाँ सो नेक्स्ट गाइस ये वाला टॉप है. टॉप ये जो है ना, ये है आजकल जो चल रहे ना स्टोन्स वाले टॉप, ये वो है, कहाँ से मिलेगा, हाँ इसके अंदर ही रखा हुआ था. तो इसमें से देख लेते हैं, इसमें से डिटेल्स पता चल जाती है. सो ये जो है वन साइज में मिलेगा आपको. सबसे पहले तो अरे मैं टॉप तो दिखा दूँ, ये गाइस ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ना, तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया है. ये बीडेड वाला लाइक बहुत सारे स्टोन्स है उसका बना हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल से कलर में है, मल्टी कलर में इसकी शाइन है और ये हॉल्टर नेक है और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है एंड पहनने के बाद मुझे तो बहुत सुंदर लगता. और मैंने सुनो कई तरीके से स्टाइल करके देखा था, मैं सच कहूँ तो मैंने पहले वाइट के साथ पहना बट मुझे कुछ खास मजा नहीं आया. मतलब वाइट के साथ अच्छा लगेगा ऐसी बात नहीं है, वैसे ये सबके साथ ही अच्छा लगेगा, बट मुझे ऐसा लगा था कि ये आई थिंक डार्क कलर के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा.
तो डार्क कलर के साथ ट्राई करना चाहिए, तो मैंने ब्लू कलर के साथ ट्राई किया, इनफैक्ट मैंने ब्लैक के साथ भी ट्राई किया, सबके साथ अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट इसके साथ भी यू कैन सी दैट, मतलब ना इसको पहनने के बाद ना लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाता है यार, आपके कपड़े का जो भी लुक है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल पार्टी वाली वाइब आने लगती है। सो अगर अगेन मैं कहूँगी, अगर आपका बर्थडे है या आपको किसी पार्टी में जाना है तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं, एंड ये आपके बहुत काम आएगा। कोई भी सिंपल सा आउटफिट है आप उसके ऊपर इसको पेयर कर लो, एंड चार चांद ही लग जाएंगे आपके आउटफिट में, आपका आउटफिट बहुत ही ज़्यादा लगेगा। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये वाला प्रोडक्ट, बिकॉज इतना काम का है ना, आप किसी भी आउटफिट में यू नो जान डाल सकते हो, बहुत ही प्यारा लगने लगेगा इसके बाद आपका जो आउटफिट है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है गाइज वो है दिस वन, और ये है एक स्कर्ट, और ये स्कर्ट की मैं जितनी तारीफ करूँ ना गाइज उतनी कम है, बिकॉज इसकी क्वालिटी गाइज इतनी 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 ज्यादा अच्छी ना। ये व्हाइट कलर की स्कर्ट है और कलर मुझे याद नहीं है इसमें है या नहीं, आई थिंक नहीं है, आई थिंक मुझे याद नहीं है, बट ये इतनी अच्छी है ना गाइस, इतनी प्यारी स्कर्ट है, इसकी क्वालिटी अमेजिंग सुपर है गाइस। अगर आपको स्कर्ट चाहिए ना तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं, एंड क्वालिटी में तो शक ही मत करो, बहुत अच्छी क्वालिटी में है और बहुत ही स्ट्रेचेबल का वाला कपड़ा है, एंड स्कर्ट है तो आप यू नो बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि नीचे शॉर्ट्स होगी और उड़ने उड़ने के कोई चांस ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, तो आप बहुत ही सेफ फील करोगे, एंड बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही कम्फी है। सो 110% आप इसको परचेज कर सकते हैं एंड वेयर कर सकते हो, बहुत ही सुंदर है, और मैंने इसको भी स्टाइल किया। सो जितने भी आउटफिट है मैं सबको आजकल स्टाइल ही करती हूँ, बहुत ही प्यारे भी लगते हैं, सो सबको मैंने स्टाइल किया, जिससे आपको समझ में आता है कि किस आउटफिट को किस तरीके से स्टाइल करना है, किस तरीके से वेयर करना है अगर आप बाय कर रहे हो तो। सो बहुत ही प्यारी सी स्कर्ट है और डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई है, और मैंने इसको जो है काफी अच्छे से स्टाइल भी किया है, और अभी बताती हूँ। हाँ तो उसको तो मैंने बता दिया उसके बारे में, अब बात करते हैं नेक्स्ट आउटफिट के बारे में। सो मैंने बाय किया एक जीन्स, जीन्स वैसे मैं ऑर्गेनिक से सवाना से कम ही लेती हूँ, बिकॉज साइज का थोड़ा इश्यू रहता है मुझे, आती नहीं है, लूज लूज ही होती है, लूज तो ये भी है बट ये बहुत ही अलग और हटके जीन्स मैंने मंगवाई है, और इसलिए मैंने यहाँ से बाय की। सो ये जो जीन्स है ना गाइज, ये है कुछ इस टाइप की, यू कैन सी दैट इसमें कितना प्यारा आर्ट कर रखा है, लाइक कितना प्यारे से क्यूट क्यूट से इसमें कार्टून्स बने हुए हैं, यू कैन सी दैट, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी जीन्स लग रही है। एंड इस जीन्स को ना मैंने सिंपली यू नो आप मतलब वैसे किसी के भी साथ स्टाइल कर सकते हो, बट मैंने जो बटरफ्लाई वाला टॉप पहना था उसके साथ भी मैंने इसको स्टाइल किया था, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये जो जीन्स है गाइस इसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हो, वाइट टॉप के साथ ट्राई कर सकते हो, ब्लैक के साथ ट्राई कर सकते हो, सिंपली अगर आप टी शर्ट के साथ भी वेयर कर लोगे ना तो बहुत ही प्यारी लगने वाली है जीन्स। सो ये जीन्स बहुत प्यारी है और मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई है, तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो और पहन सकते हो। और इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, वैसे क्वालिटी ना सवाना के कपड़ों की अच्छी ही होती है, सवाना हो या ऑर्गेनिक सेम ही बात है, सो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इनकी क्वालिटी में तो कोई कमी होती नहीं है, बट ये बहुत सुंदर जीन्स है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, कुछ अलग हटके है और आप हर किसी को देखोगे नहीं ऐसे पहने हुए, बहुत ही अलग यूनिक लग रही है। सो बहुत ही प्यारी सी जीन्स है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और डेफिनेटली आप इस जीन्स को भी परचेज कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी रियली रियली बहुत अच्छी है। सो आई होप आप लोगों को जितनी भी मैंने चीज़ें दिखाई हैं वो पसंद आई होंगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कौन कौन से आइटम सबसे ज़्यादा पसंद आई है, एंड नेक्स्ट आप कौन सा हॉल देखना चाहते हो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशंस दे सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज।